पानी मिलेगा। डॉक्टर वापस चढ़ गए। वापस अमरीश आया भैया आया। क्या हुआ क्या हुआ? ओ और क्या हो सकता है? आपकी मैडम वाली बहन का टल्ली होने पे से भाई हो सकता है आज रजनी के आने की खुशी में थोड़ी ज्यादा पिल्ली हो जी। कोई इसे अंदर लेके चलते। हाथ लगा भाई आ। प्लीज गलत जगह हाथ नहीं डालती है। ऐश्वर्या जब तक मैडम ना बोले चलो उठा। एक मिनट बस चल आजा बबल्स। चल 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 आराम ना आराम ना। उधर से पकड़ के रख। सो रोशनी आई एम श्योर तुमने तो खाना बन ऐसे बना दिया तुमने। घड़ी में अभी और 12 मिनट बाकी रे अम्मा। सब आप लोगों की मेहरबानी। रोशनी तुम किससे बात कर रही? दोस्त लोगों को थैंक यू बोल रही अम्मा। तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं, जाने दे। खाने की खुशबू लेना। जी बन गया खाना। ओए होए वाह जी वाह कमाल कर देता जी खुश कर देता। अमरीश ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ओके रोशनी ये मत समझना कि तुमने ये सब काम कर लिया तो तुम मेरी नजर में पास हो गई। ओके हाँ अभी तो एक भूखे नंगे को खाना भी तो खिलाना है। अमरीश वो हमारे बाबा है। क्या टाइम हो गया जी उनको बड़ी भूख लगी होगी और बाबा ठहरे कौए। कौए तो कपड़े पहनते नहीं इसलिए हुए नंगे। उनको लगी है भूख इसलिए हुए भूखे। इसलिए भूखे नंगे कहा कोई गलत कहा मैंने? वेरी स्मार्ट। आजा आजा ससुर जी को खाना खिला के आते। आज बाबा ओ बाबा आमी आसी बाबा ओ बाबा बाबा आज कौवा मेरा मतलब नाना जी लगता नहीं आएंगे। आणगे पुत्तर आणगे। वैसे सुरीली मैं क्या भाई रजनी के बनाए हुए खाने को तूने ढक के क्यों रखा हुआ है? खोल के रखो है? अच्छा नहीं बना क्या? वैसे अमरीश तुमने भी अपने आप को छाते से ढका हुआ है तो क्या इसका मतलब मैं ये समझू कि तुम भी? दाऊ जी खाना बहुत अच्छा बना है और माँ नहीं चाहती कि नाना जी वो देखे कहीं उन्हें पसंद आ गया तो। ध्यान बाबा हमारे एक बात ध्यान से सुनना। यहाँ खड़ा रहना है तो चुप रहो। ये तो वही बात हो गई तेरी भी चुप मेरी भी चुप। मतलब ए बाऊजी ये क्या है? कुछ अरे दिखा ना बम है। कौवे ने आना है और मैंने उसे इस बम से उड़ा देना है। बाऊजी वो वाला बम नहीं है पुत्र ये सफेद बम है बंगाली बम और यही खिला के मैंने बुद्धे को पटाया था तेरी माँ के टाइम पे। देखेगा रोशनी तेरे वास्ते नहीं है समझा। रजनी पुत्र सुरीली के बाबा को मिलने जाए जे तुझे ऐसा लगे कि
कुछ गड़बड़ होने वाली है तो मेरे तो और उस काले कौवे को खिला देना है? उसके बाद ना सब ठीक हो जाना है, चिंता ना करें पुत्र। अमरीश। हाँ? क्या बात हो रही है? कुछ नहीं। अमरीश दिखाओ क्या है हाथ में, दिखाओ। तो कुछ नहीं भाई, तू क्या है इसमें, क्या छुपा रहे हो तुम? ये लाई है ये तेरे वास्ते। कहने लगी कि देखो जी पापा जी, मैं लाई हूँ अपने होने वाली सास के लिए, आप अपने हाथ से दे दो। मैंने कहा ले, मैं क्यों दूँ, तेरी चीज है, तू अपने हाथ से दे। झूठा क्यों बोलते रे बाबा, ये मैं किधर लाई, ये तो आप लाए मेरे वास्ते। अमरीश चलो अब बता क्या है इसमें, तुम क्या छुपा रहे हो? अचार, अचार है इसमें। मैंने कहा इतनी सारी चीजें इसने बनाई है, हो सकता है अचार लाना भूल जाए, इसलिए मैं ले आया अचार। अचार? अचार इसमें इस अम्मा के माफिक तीखा अचार नहीं होना, बल्कि आपके माफिक मीठा वाला रसगुल्ला होना। ओए, तुझे कैसे पता? रसगुल्ला? अमरीश तुम रसगुल्ला क्यों लाए? हाँ? ओ, अब समझी, बाबा को रिश्वत देने के लिए लाए ना, ताकि वो रोशनी को एक्सेप्ट करे, उसको हाँ बोले। अरे बाबा ने तो रजनी को ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है, पर जब सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद मुंह मीठा करने के लिए कुछ तो चाहिए, इसके वास्ते मैं लाया हूँ ये रसगुल्ला। ओ मेरी छड़ भाई, तू क्या बढ़वा के लाई है रजनी से अपने बाबा के लिए, दिखा जरा। ये रजनी ने कुछ स्पेशल या यूनिक बनाया है क्या? सब आइटम स्पेशल और यूनिक होना। रजनी करेले का रसगुल्ला, पापलेट का भजिया। ओहो वाह जी वाह, करेला और भजिए में मच्छी, ची 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 ची। मतलब सारी चीजें वही बनाई है जो इनके बाबा जी को पसंद नहीं है, ताकि वो रजनी को रिजेक्ट कर सके। अब तो ये रसगुल्ला भी रहेगा ही रहेगा। अमरीश रसगुल्ला नहीं रहेगा। और अगर रसगुल्ला नहीं रहेगा तो तेरे 5 स्टार का स्पेशल मेनू, जिसे खाकर रावण भी अपने 10 सर पकड़ के बैठ जाए, ये भी नहीं रहेगा। और अगर ये रहेगा तो ये भी रहेगा। रसगुल्ला नहीं रहेगा। रसगुल्ला रहेगा। अमरीश रसगुल्ला नहीं रहेगा। रसगुल्ला रहेगा रहेगा रहेगा। बाबू जी आप दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे तो नाना जी नहीं आएंगे और ये फैसला अधूरा ही रह जाएगा। हाँ पर वो पप्पू परम पूज्य ससुर जी कहाँ है? आ गया। ओए शैतान का नाम लिया और शैतान। मेहमान हाजिर। रोशनी अब तुम्हारा आखिरी टेस्ट है। ओके प्रणाम बाबा, केमन अच्छो। रोशनी अमर बाबा, और बाबा ये रोशनी। अब आप ही फैसला करो बाबा, ये रोशनी शान की बीवी बन सकती है या नहीं। जैसे मैगी और शर्मिला के वक्त आपने बोला था, वैसे इस बार भी बोल दो बाबा। और बाबा ये सिर्फ शान की पसंद है, हमारी भी। रोशनी बाबा को प्रणाम करो। बाबा प्रणाम। बाबा अब आप ही फैसला करो कि रोशनी शान की पत्नी बन सकती है या नहीं। अगर हाँ तो आशीर्वाद दो। ओके बाबा। कहीं इस काले कौवे को उस दिन पार्क में जो हुआ वो याद ना आ गया हो।
कहीं ये रजनी पे अटैक ना कर दे यार, वो सारा मामला बिगड़ जाना है। आशीर्वाद दिया है जी ससुर जी ने, वाह वाह वाह। इतना तो मैगी और शर्मिला पुत्र के वक्त नहीं चिल्लाई थी जितना रजनी के वक्त चिल्लाए। लगता है इनको रजनी बहुत पसंद आ गई है भाई। वाह जी, बधाइयां जी, बधाइयां। शांत किधर है भाई? ओ अपने कमरे में शर्मा के बैठा होगा मेरा शानू। ना ना अमरीश, जरूर कुछ गड़बड़ है। पापा कुछ अलग बोल रहे थे और हमारा मन नहीं मान रहा। पापा ऐसा नहीं कर सकते। ओ, कितनी गलत बात है पता? अब तो इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाबा के फैसले पर शक करने लग गई। यार कैसी बेटी है तू? जब उनको पता चलेगा कि उनकी बेटी उनके लिए हुए फैसले को शक की निगाहों से देख रही है, कितना बुरा लगेगा उन्हें। अरे सिर्फ इसलिए कि आज वो इंसान नहीं रहे, कौवा हो गए। बहुत दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के। एक तरफ इतने खुशी का माहौल और दूसरे तरफ ऐसी ओछी वाली बात कर रही। ओके चलो अमरीश, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता बाबा कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे? माँ पशु पक्षी अपने खुशी का इजहार अपने स्वर से ही करते हैं। हाँ और मुझे तो लगता है इसमें जरूर ऊपर वाले का कोई संकेत है। हाँ चलो ज्यादा न सोचो, बधाइयां लो तो बधाइयां लो। ससुर जी ने हाँ कर दी है। रजनी तुम्हें कुछ तो खास बात होगी जो तुम सबको कंप्रेस किए जा रही हो। कंप्रेस नहीं भाभी, इंप्रेस। अरे शान को भी इन्फॉर्म कर दो, रोक के की तैयारी करो। ये मम्मी जी के पापा जी ने तो हमारी बैंड बजा दी, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। कभी कभी आप सही बात बोल लेती हो भाभी तुम। अरे लेकिन ये वक्त है ना, मुंह बनाने का नहीं है, हाथ मिलाने का है। मुझे रजनी से नहीं हाथ मिलाना। रजनी से नहीं, मुझसे हाथ मिलाओ। चलो रजनी, कंग्रेचुलेशंस, वेलकम होम। बोले तो थैंक यू। बोले तो रजनी, आज से तुम यही समझना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो बेझिझक मेरे पास आ जाओ। ओके ये शर्मिला तो बहुत ही चंटिकली। हाय हाय, कहीं ये और रजनी मिल गई तो मेरी क्या हालत होगी। रजनी को निपटाने के लिए उनको बुलाना ही पड़ेगा। बलवंत प्राजी, मेरी राखी का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। कहाँ हो बलवंत प्राजी? वर्दी पहनकर मेरी बेटी को बोल रहे थे इंस्पेक्टर है। डैडी इसे तो ना ठाने लेकर इतने झूठे मोर ना, इसके अगले चार पुश्त तक ना इसके बच्चे गंजे पैदा हो। अरे बच्चे कहाँ से पैदा होंगे मैडम, जब शादी नहीं होगी। अबे तुझे मेरी बेटी मिली थी ठगने के लिए,
झूठे नाटक करके भोली भाली लड़कियों को तू फंसाता है। बाकी के सपने जेल में पूरे करना। हाँ, भेज दो मुझे जेल, भेज दो। लेकिन मेरी इतनी बात सुन लो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मुझ पे एक बहुत बड़ा श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? कि किसी लड़की का बाप मेरी नहीं सुनता, और आप भी उन्हीं में से एक निकले अंकल। राम धंधा तो करता नहीं है, उनसी लड़की तुम्हें हाँ बोलेगी। वो आपकी वाली तो हाँ बोलने वाली थी, आप बीच में आ गए ना। खिंचके तू क्या? डैडी जाने दीजिए ना, ये भी सलमान का फैन है और मुझे भी सलमान बहुत अच्छा लगता है। सच्ची? तो मतलब तुमने हाँ कर दी सोना? नालायक, चला जा यहाँ से, मेरी बेटी कह रही है इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ मैं। चल बेटी। हाँ जाजा, ले जा अपनी बेटी को। आया बड़ा। अरे अपनी बेटी मेरे मत्थे मर रहा है, बोलो। एक तो दिखने में भी भूतनी जैसी, चुड़ैल कहीं की। हाँ मैगी बहना। हेलो बलवंत राजी, कहाँ थे आप? पहले मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो कहना कि मैं कुछ खा रहा था। अच्छा सुनो, आप आने वाले थे ना? अब हाँ वो, पर तू तो जानती है कि यहाँ मेरे कितने काम पड़े हैं। ऐसा मत कहिए प्राची, मैं तो आपके ही भरोसे बैठी हूँ। बहना तू समझती क्यों नहीं? समझ तो आप नहीं रही है प्राची, अगर आपने मेरा काम किया तो मैं आपकी शादी करवाऊंगी। बहना तू दुखी ना होना, तेरा ब्रा आ रहा है, जाके सबसे कहना। थैंक यू प्राची, थैंक यू। शादी? अब रजनी तू तो गई, मम्मी जी ने तुझे स्वीकारा है ना, अब मेरा भाई तुझे घर से निकालेगा। ओ टूम टूम बल्ले बल्ले, ओ टूम टूम बल्ले बल्ले टूम बल्ले। अरे सुनियो, चल भाई चल, रोके दी तैयारी करनी है। रजनी वास्ते कपड़े गहने शगुंदा थाल सब तेरी पसंद का होना चाहिए। चल आजा। सुनिए, रोकने से ज्यादा तूने अपने आप को रोका हुआ है। एक बात कमजोरी, तू अपने बाबा के आशीर्वाद पे सवाल नहीं खड़े कर सकती ना। पापा ने इतना बड़ा काउ काउ क्यों किया? क्या रश्मि सचमुच पापा को पसंद आई? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पापा ने मेरे मन की बात नहीं समझी। तो पापा वही करते जो हम चाहते हैं। इतना जोर से बाबा तभी चिल्लाए थे जब उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था और वो चल बसे थे। हाँ तो ठीक है ना यार, हो सकता है पप्पू परम पूज्य ससुर जी ऐसे बड़े मौके पर ऐसे ही चिल्लाते आए हूँ। उस दिन भी बड़ा मौका था, आज भी बड़ा मौका था। ओए रजनी बुरी लड़की नहीं है भाई। अमरीश, हमको रजनी में जो गड़बड़ दिख रही है वो तुम सब लोगों को क्यों नहीं दिख रही? अरे बिल्कुल सही, शादी नहीं हो सकती। और अगर ये शादी आप लोगों ने होने दी तो बहुत बड़ी गलती करोगे।